ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हाथ में उठाइए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये ब्लू वाला भी बहुत प्यारा लगा। घर के काम से मिलेगा टाइम सिलने मिलने का, फिर सिलाई मशीन भी खरीदना पड़ेगा। Hey guys, good morning and welcome back। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो डॉक्टर के पास तो गए थे, तितली दवा खाई है तो थोड़ी बहुत ठीक है। तितली ए बच्चू वक 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 अभी देखो खेल रही है मस्त मम्मी के साथ अपने। बाकी गाइज हम लोग एनिवर्सरी तो नहीं मना पाए थे और 30 अप्रैल को निशा का बर्थडे है ना जी। कोलकाता भी जाना था, वो भी पोस्टपोन हो गया तितली की तबीयत के कारण। आज सब एक ही मंथ में आ जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। कल तो मायरा का बर्थडे भी था तो हम लोग प्लान किए थे सबको जाने का, सचिन भाई भी ना, हम ही गए ना सचिन भाई। कॉल भी नहीं किया मायरा को, सच अभी करूँगा ना मैं, सोचा रात में तो सो गया था, मैं कॉल करूँगा उन लोग को। ए तितली तितली, तो गाइज आप लोग का ब्लेसिंग काम आ रहा है, खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा तितली को। बाकी कह रही कि कोई ड्रेस लेना है ना जी आपको, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शन है और करीब हम एक ही दो दो साड़ी पहन पहन के हो गए हैं पागल। हाँ समय ही नहीं मिलता, साड़ी भी है पता है, साड़ी भी है, ऐसा नहीं है साड़ी नहीं है, बट उसका ब्लाउज स्टिच नहीं है और मेरे को इसीलिए एकदम गुस्सा आता है। इनको बोले थे कितना दिन, ये बोले ईद बाद, अभी ईद में सब बिजी है, फिर बोले लगन बाद, लगन में बिजी है। तुमको ना एक पर्सनल टेलर रखना चाहिए, तुम भी ना माने सिलाई सीखती ना वो। अच्छा कोई बात नहीं है, एक हमें टेलर तो मिल ही जाएगा, मतलब टेलर नहीं कह सकते हैं, जो मेरे भाई की होने वाली वाइफ है उनको थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई कटाई फराई जो भी होता है वो आता है ना जी, तो शायद आपको थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिले। देवरानी आ जाएंगी तो क्या शायद, क्यों ऐसे क्यों मुँह लटका के बोल रही है शायद। घर के काम से मिलेगा टाइम सिलने मिलने का, फिर सिलाई मशीन भी खरीदना पड़ेगा ना। खरीद दिया जाएगा यार, वो कितना ज़्यादा महंगा है कि नहीं खरीदा पाएगा। मतलब महंगा की बात नहीं, मतलब हम लोग का घर में भी जगह नहीं है रखने। अरे तुम तक तो वहाँ बन जाएगा, क्यों मशीन तो था ही मम्मी जी का, आप लोग ने बेच दिया कि रखने का जगह नहीं। हाँ गाइस, एक जब बंटवारा हुआ दादाजी लोग में तो उसके बाद से पूरा जानते हो हर घर की ये चीज़ कहानियाँ हैं। हमारा घर आधा आधा एकदम बट गया, फिर उसके बाद थोड़ा कंजस्टेड हो गया, जबकि पहले ये इतना बड़ा घर था कि जहाँ जिस मतलब जिस जगह पर हूँ मैं ना, इतना बड़ा किसी का घर नहीं था। और यही होता है, सबको इस चीज़ों को झेलना है। अतितली तोड़ दी जी, ये देखो सुगा का पंख वंख सब निकाल दी। तो अभी तो गाइज दोपहर हो रहा है और हो सकता है कि शाम में हम लोग जाएंगे मॉल, तो आप करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। स्कूल वगैरह से तो आ चुका हूँ, अभी मस्त मैं थोड़ा बहुत सोऊँगा। और आप लोग बने रहे, खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखते हैं सचिन भाई को कॉल करेंगे, हो सकता है कि निशा का बर्थडे सेलिब्रेट करें हम लोग, तो जैसा होगा आपको बताएंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही हमारे घर से। चलिए जी चलिए ऊपर चलिए, ये नीचे स्मार्ट पॉइंट और ऐसे स्मार्ट है ना जी। अच्छा मॉल है, लेकिन कलेक्शन काफ़ी अच्छे है गाइस यहाँ पे, तो अच्छा लगता है कि घर के पास ही मॉल हो। तो पहले निशा के घर के पास था, अब हमारे घर के पास हो गया है। पहले बहुत ताना मारती थी, ये है वो प्यारा सा मॉल। चलिए जी चलिए, क्या बैग तो अभी देखिए जी, हम लोग करेंगे शॉपिंग। अच्छा अच्छा कुर्ता मिलता है ना बच्चों का यहाँ पे, बच्चे का तो कपड़ा का कलेक्शन देख के दिल खुश हो जाता है। क्या कितनी का ड्रेस लेना है क्या? अच्छा देखने के लिए आए, तो एक बार हम लोग आए थे यहाँ पे किड्स का, वाव बहुत प्यारा लग रहा है ना, बस देख रहे कितना प्यारा प्यारा ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा है। बच्चों का ड्रेस कितना प्यारा प्यारा होता है, वाव बहुत खूबसूरत है। ले लो इसी में का तुम्हारे कलर का हो जाएगा ना, एक ही हम लोग पहनेंगे। हाँ मैम मेरा भी वही ड्रेस कोड रहेगा उसी टाइप का, तो फिर देखो भाई जब शॉपिंग चल रही है, देखिए कैरी के भी तरह का पहनेंगे, क्या लेती है ये। भाई की इंगेजमेंट भी होने वाली है तो ये पहुँची हुई है, क्या लेना था आपको? लहंगा। तो देखिए क्या लेती है ये, अभी मैं भी इंतज़ार में हूँ क्या पसंद आए क्या ओवरऑल। ये ब्लू वाली, ब्लू वाली
पार्टी वेयर लहंगा, वाह कलर तो बहुत प्यारा है जी। काम करो, जिस कलर का तुम पहनोगे उसी कलर का मैं भी पहनूंगा, ओके? अभी भाई मतलब मेरे से बात भी करने का फुर्सत नहीं है, नज़र सिर्फ स्टॉक पे है, स्टॉक। ये वाला नहीं भाई, ये तो शादी में पहनने वाला, ये सब कलर थोड़ा सा अच्छा। वाओ ये वाला तो प्यारा लग रहा है। देख, एक घंटा हो गया औरतों के साथ शॉपिंग आने में, यही चीज़ होता है। मेरा एक घंटा बर्बाद हो गया, मैं बहुत सारा काम वगैरह छोड़ के आया था और ये पता नहीं अभी तक क्या लेंगी क्या नहीं लेंगी, वो डिस्कशन ही चल रहा है इन लोग का। तो ब्राइडल कौन सा होता है, वही वाली कॉन्सेप्ट आ गई, पिंक में भी इतने सारे पिंक, तो वही चल रहा है अभी। अब ये देख रही हैं अभी, लहंगा लगता है पसंद नहीं है, अब पार्टी वेयर साड़ी की तरफ ये उन्होंने रुख कर लिया अपना, क्यों? एक पसंद आया लेकिन उतना भी नहीं है। अच्छा, एक पसंद आया लेकिन उतना भी नहीं है, तो ये अमूमन हर औरतों के साथ होता है और बलि का बकरा हर पति को बनना पड़ता है। हाँ देखो, क्या है, मोंगनीज जिमी जू भाई पता नहीं ये वाला ही सारी पार्टी है। तो ये भी सारी पता नहीं कौन कौन है, ब्लैक है ना ये, नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू है लेकिन लाइट पे तो एकदम ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन कैमरे में नेवी ब्लू आ रहा है। कैमरा में रियल कलर थोड़ा सा पता चल रहा है, है भारी प्यारा है ना, पार्टी वगैरह में पहनने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रायल चल रहा है अभी इनका, फाइनली कुछ तो पसंद आया बहुत मशक्क़त के बाद, है ना जी? बताइए वो भी ज़रा डालिए। तो ये अभी ग्रीन में ही थोड़ा सा लगता है कंफ्यूज हो गई, ये वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हाथ में उठाइए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाह हाँ ये वाला ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ तो क्या क्या बोले, कैन का जो हो वो लगा दे हमको नहीं पता भाई। तो ये भी हंस रही है क्या कह रहे हैं भैया, कैन का लगा दोगे तो घिरा आ जाएगा ना, तो कैन का लगा देना। और ये ब्लू वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, आप लोग कमेंट करें, मुझे तो यही पसंद था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है क्योंकि तुमने थोड़ा ग्रीन पहना है ना। ये नहीं लोगे? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जो अच्छा लगे ले लो भाई, ले लो। वहाँ से आने के बाद निशा बहुत सारा काम वगैरह की, डिनर प्रिपेयर की, और डिनर प्रिपेयर करने के बाद अभी हम लोग थोड़ा फ्री हुए हैं। तो ड्रेस तो बहुत प्यारा लगा मुझे, बट ये है कि इसके बर्थडे पर मैंने पहले ड्रेस ही नहीं लिया, और मैं अमूमन बहुत कम ड्रेस अभी लिया हूँ, मैं हमेशा क्या भाई वही दो चार जो ड्रेस वही पहन रहा हूँ। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगा बाबू, क्या? तो मैं देखता हूँ, मैं भी जाऊंगा कुछ खरीदने के लिए एकदम मस्त। तितली हमारा देखो, तितली क्या खा रही है तू, काजू? हाँ। तो काजू काजू खा रही है तितली ना, हमारा काजू खा रही है। हाँ, उसको आजकल अच्छा लगता है। और अभी पता है गाइस, अभी अब जैसे जैसे अब तो खैर दिन नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे क्या दिन बहुत नज़दीक आ गया है, जून में हमारे भाई की सगाई होगी। अभी हम लोगों ने अपने फैमिली में बैठ कर जो डिसाइड कर लिया, जून में ही करेंगे सगाई, और फिर उसके बाद एक और हमारे मतलब ये तो मेरे अपने भाई की सगाई होगी, और एक और चचेरे देवर है उनकी भी सगाई होगी, मेरे ख्याल से जून में ही होगी, और फिर एक मेरी बुआ की बेटी है उसकी भी सगाई होगी, मतलब आसपास ही होगी, देखो कब होता, अभी सुनने में आया ऐसा। तो मुझे लग रहा है बैक टू बैक इतने सारे फंक्शंस हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक लहंगा खरीदी थी, फिर एक लहंगा हो गया कल, और मैं कुछ नहीं खरीद पाया। तो गाइस बहुत सारे लोग भी कमेंट्स करने लगते हैं कि भैया निशा दी के पास एक ही ड्रेस है, उनको ड्रेस क्यों नहीं दिलाते हो? तब ये खुश भी है और थोड़ी दुखी भी है, क्योंकि इनके लिए टेलर नहीं मिलता नहीं ब्लाउज सिलने के लिए, एक था वो भाग गया कहीं। हाँ। वो आता था कि सिलता था, पैसा ज्यादा लेता था, लेकिन बहुत कम भी नहीं काटता था,
दूसरा सिलवा ली गुस्सा भी आता था, इतना सारा उसे सिलवाते थे, अभी इतना सारा जम गया आपको, आप ही जाने। कोई नहीं गाइस, आज मैं टेलर ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा इनके लिए। देखिए वो तितली उधर में सेफ्टी पिन। चलिए अब बेटा इधर आइए। चलिए एनीवे गाइस, इस प्यारे से ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे कल एक अगले मॉर्निंग में फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।